दोस्तों आप सभी हजरात का मेरे चैनल पर खैर मकदम है। दोस्तों जैसे इन पीस पर हम टाइप करते हैं तो कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे फेहरिस्त हम बनाते हैं, आपको ध्यान होगा फेहरिस्त बनाते हैं, तो फेहरिस्त हम कैसे बनाते हैं, हालांकि फेहरिस्त के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं दे दूंगा लिंक पर, आप देख लेना। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फेहरिस्त नहीं है, फेहरिस्त की तरह आपको और कुछ बनाना, कोई टेबल बनाना है, उसमें लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे, आप ये देख लीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कोई वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया यहाँ पर, मैं एक किताब है मेरे पास, मैं उस किताब में देख करके लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर बड़ा सा कर दूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। लिखा है ऐब की तारीफ, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने टैब दे दिया। तो कुछ भी आप लिखिए, कुछ भी लिख करके आप जो है टैब लगाते जाइए। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 22, यानी 22 पेज पर ये लिखा हुआ है, तो अब मैं इंटर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में लिखा है हदीस पाक में बयान करदह जानवर के चार अयूब, ठीक है, इतना लिख दे। फिर उसके बाद में टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद ये भी 22 पेज पर लिखा है। अब मैं इसको इंटर किया, अब मैं दोबारा दूसरा देखता हूँ कहाँ पे है। अमूमी मसाइल लिखा है, अमूमी मसाइल ये लिखा है 24 पेज पर। अब इसको इंटर किया दोबारा, अब मैं चलता हूँ आगे, अब लिखता हूँ महंगे तरीन जानवरों की खरीदारी, अब ये लिखा है 26 पेज पर, ठीक है। और एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको गिनती यानी नंबर जो है वो उर्दू में लाना है तो कीबोर्ड में जो सामने एक एक लाइन से न्यूमेरिक की बनी हुई है उससे आती है उर्दू की गिनती, और हिंदी इंग्लिश की गिनती लाना हो तो आपको लाना है जो यहाँ पे न्यूमेरिक की होती है राइट हैंड पर कीबोर्ड में, उससे आती है, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, एक आध दो पॉइंट और लिख लेता हूँ मैं। लिखा है अकीका का बयान, अकीका का बयान, और ये है 33 पेज पर, 33 कर दिया, फिर इंटर किया। और फिर मैं करता हूँ अब नमाज़ ईद का तरीक़ा, और ये है 35, ठीक है, इतना मैंने ले लिया। और आप ये देखते होंगे कि एक नंबर जो है यहाँ जा रहा है, इतनी गैपिंग, एक नंबर यहाँ जा रहा है, एक नंबर यहाँ यहाँ, ये कैसे, इसकी सेटिंग कैसे होगी, तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इसको मैंने कर दिया कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट कर लिया, अब यही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके टेक्स्ट टू टेबल करेंगे, टैब ये वाला रखेंगे, रखने के बाद देख लीजिए झट से अपने आप कैसे होगी। एक साहब ने मुझसे सवाल किया है कि जैसे ये तो बन गया, अब उसके बाद में इसके पहले अगर कोई एक कॉलम हमें ऐड करना है या इसके बाद यहाँ पे कॉलम हमें ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, आप ये देख लीजिए, उनका मसला ये है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारा कर्सर है ना, कर्सर यहाँ पर है, तो यहीं पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, लिखेंगे टेबल लेआउट में चलेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लिखा है रो लिखा हुआ है, तो रो का मतलब है एक ऊपर रो बन जाएगा, रो का मतलब ऐसे चलता है, ये वाला रो जो इधर से इधर चल रहा है ना, ये रो है और ये वाला कॉलम है, ये दो कॉलम बने हैं इसमें। तो अब मैं एक रो ऐड करता हूँ, जैसे ऊपर कुछ लिखना हो, इसके ताल्लुक से कुछ लिखना हो कि ये है क्या चीज़, ये जो नंबर लिखा है ये है क्या चीज़, इसके ताल्लुक से अगर कुछ लिखना है तो हम लिखते हैं। पहले हम रो ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, एक रो ऊपर बन गई है, ठीक है, रो बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ इधर एक कॉलम हो जाए, तो यहाँ पर करेंगे तो इधर कर देंगे ये कॉलम, ये लिखा बिफोर, यानी कि इस कॉलम, जो ये कॉलम बना हुआ है इसके पहले बनाना है कॉलम। यहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से ये रीड करेगा, ठीक है, बिफोर कर दिया, अब इंसर्ट कर देते हैं, देख रहे हैं ये इस तरीके से बन गया, लेकिन ये तो गायब हो गया, इधर वाला गायब हो गया। अब क्या करेंगे, अब यही करना है कि इसको खिसका करके ऐसे लेके आएंगे ना, ऐसे करेंगे ये एरो बन जाएगा, इधर लेके आएंगे यहाँ कर देंगे, और ये वाला क्या करेंगे, यहां चलेंगे, यहां से इसको भी ऐसे खिसका करके इधर लेके आएंगे, या इसको इधर लेके आइए, या जहां मर्जी वहां आप कर सकते हैं, इसको इधर लेके आइए यहां, ठीक है। और अब जो है क्या करता हूं मैं,
इस कर्सर को यहाँ रखता हूँ। यहाँ रखने के बाद अब मैं दोबारा करता हूँ यहीं पर वही सेम टेबल लेआउट। यहाँ टेबल लेआउट करने के बाद अब मैं करता हूँ कॉलम पे करता हूँ। यहाँ बिफोर नहीं, यहाँ करेंगे आफ्टर, यानी कॉलम हमारा कर्सर हमारा यहाँ है ना, इसके बाद में अब बनेगा, यहाँ पर बनेगा इसके बाद। तो यहाँ कर देते हैं हम इंसर्ट, ये इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करते ही यहाँ पे बन गया, लेकिन इसको आप खिसका के यहाँ लेके आइए, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे, ये बन गया। तो आपका जो है ये कॉलम बिल्कुल बन के तैयार हो गया। आप चाहें यहाँ से जैसे आप लिख सकते हैं नंबर शुमार, यहाँ पे लिख दीजिए मजमून, यहाँ पे लिख दीजिए मान लीजिए इसे मुसन्निफ, यहाँ लिख दीजिए सफ़ा नंबर, ठीक है। अब मुसन्निफ का नाम जो भी लिखना हो आपको, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अपने तरफ से वो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रखे हैं, दोबारा फिर मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ चलेंगे, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ करने के बाद यहाँ पे बिफोर नहीं करना है, यानी इसके बाद यहाँ पे बनाना है, इधर नहीं बनाना है। तो हम करेंगे आफ्टर, यहाँ पे कॉलम, फिर यहाँ पे इंसर्ट, ये बन गया। लेकिन इसको और इधर लेके आइए, तब वो समझ में आएगा कि बना कि नहीं बना। ये हो गया, आप देख रहे हैं ना, एक आपने ऐसे भी बना लिया, समझ गए। ये इस तरीके से बनता है, चाहे जितना आप इंसर्ट कर लीजिए, वो आपके साइज के हिसाब से है, साइज जितना बड़ा छोटा हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब चलता हूँ मैं, अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू।